अभी माल पड़ा है आपके पास, ये कहीं 500 पे तो नहीं बात आ जाएगी? 500 भी आएगी, ज्यादा नीचे भी जा सकती है। दिल्ली से है, दिल्ली में कल बिका था 1800 से लेके 2000। टमाटर कल से जी 800 रुपए कम हो गया क्रेट का। पहली पेटी हाईएस्ट 1000 रुपया, उसके नीचे फिर चलते जाओ। मैंने आपको 15 अगस्त का अल्टीमेटम दिया था जी, आज क्या तारीख है देख लीजिए। आज है 11 अगस्त 2023। तो वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज फार्मिंग स्टेशन पे। तो जो भी भाई वीडियो पहली बार देख रहा है, वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मंडी के जो रेट हैं वो हर दिन चेंज होते हैं, मंडी के रेट जो है वो एक जैसे नहीं रहते, तो हम कोशिश करते हैं एक वीडियो के जरिए जो है मंडी के जितने भी रेट हैं वो आप तक पहुँचाए जाए। तो आओ करते हैं जम्मू की सब्जी मंडी को एक्सप्लोर और जानते हैं मंडी में कौन कौन सी सब्जियाँ आई थी और उनके क्या क्या बाजार रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कड़म से। तो ये कड़म जो है श्रीनगर पुलवामा से आता है, तो इसके बाजार जो है बढ़िया माल के सुबह सुबह जो है 25 रुपए किलो और 20 रुपए किलो है। साथ में इस गाड़ी में मिक्स जो आलू भी आता है, आलू का बाजार है 16 से 17 रुपए किलो। तो इसके साथ में यहाँ गोभी लगी है हिमाचल लोल समिति वाली, ये जो रूटीन में आती है, तो इसके बाजार जो है आज 45 से लेके 40 रुपए किलो तक जो रूटीन में चल रहे हैं, 2-4 दिन से वही बाजार है। क्वालिटी जो है बहुत ही बढ़िया है, क्वालिटी एक नंबर है, लेकिन मंडी में जो है माल ज्यादा आने की वजह से जो है बाजार इसके वही 45 से 40 रुपए है। तो यहाँ पे जो है पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी जो है ये 2 नंबर वाला माल है, जो बढ़िया वाली एक नंबर पत्ता गोभी रूटीन में आती थी, उसके बाजार जो है 25 से 30 रुपए है, लेकिन ये माल जो है थोड़ा डैमेज है। इसका जो मार्केट का रेट है आज का वो है 20 से 22 रुपए किलो, क्योंकि इसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे ये गाड़ी है, ये भी हिमाचल वाली है, लोल समिति वाली, इसके बाजार भी यही है 40 से 45 रुपए। तो यहाँ पे एक मटर की बात करते हैं, तो ये मटर जो है काजा से आती है, काजा जो है हिमाचल में ही पड़ता है, काजा ये काजा का माल है, ये वहां से बहुत ग्रीन आता है, लेकिन यहाँ आते आते थोड़ा डैमेज हो जाता है। इसके बाजार जो है 80 से लेके 70 रुपए किलो तक है हमारी मंडी में। यहाँ पे दूसरी मटर है, ये जो है ये चंबा से आ रही है, पांगी से, तो इसके बाजार भी मान लो 70 से लेके 80 रुपए किलो तक है। तो मैं आ गया हूँ मोनू भैया के पास, इन्होंने इधर भी लाल, इधर भी लाल, उधर भी लाल, उधर भी लाल। तो भैया क्या लालो लाल, लालो लाल, आज लालो लाल, जनता को खुश कर रहे हो आज? भैया आप थोड़ा आइए, नरमी आनी थी, मैंने आपको बोला था, मैंने आपको 15 अगस्त का अल्टीमेटम दिया था जी, आज क्या तारीख है देख लीजिए। आज तो 11 तारीख है, फिर आज से शुरू हो गया, 15 अगस्त तक बिल्कुल लेवल आ जाएगा, बिल्कुल लेवल तो आ गया सर, और क्या और लेवल आ जाएगा थोड़ा। पेटी तो जो वो 1800-1700 वो तो आज 1000 से 15 अगस्त के बाद जो पेटी वाले हैं वो बच के रहे जी जी, उनको बेचना मुश्किल हो जाएगा जी जी जी। तो क्या बाजार है आज, ये जो आज 2000 का ग्रेट है 80 रुपए किलो पड़ेगा, 2000 का ग्रेट है, आज लोगों को 100 रुपए किलो मिलेगा आम मार्केट में, ये वाला जो बढ़िया वाला माल है। तो बाकी जो पहाड़ी आ रहा है वो अपना जैसा माल, मजे मजे हैं। तो सर इसके बारे में बताइए, नासिक के बारे में, ये भी सेम रेट है वाला। टमाटर तो आया अपने लेवल पे, सब्जियां भी ले आया सब नीचे साथ में, सब्जियां तो पहले की मंदी थी, आज टमाटर भी हो गया मिक्सचर पूरा। भिंडी का क्या बाजार है? भिंडी 20 रुपए, 18 रुपए, कोई आप जैसा है 15 रुपए। तोरी 10 रुपए केजी, तोरी 10 रुपए, ये जलंधर वाली तोरी थोड़ी। तो पहाड़ी आलू आया, इसके बारे में बताइए, ये 16 रुपए 17 रुपए। आपके पास नींबू है, नींबू के बारे में बताइए, ये जो लेके 35 तक, 30 से लेके 35 रुपए तक, ये कौन सा? पादरा। हाँ पादरा, एक नंबर, ठीक है। ये आपके पास रूटीन में आता है? आ जाता है बीच बीच में, ठीक है। तुम भी अपनी फर्म का नाम? दुर्गा फ्रूट कंपनी, दुकान नंबर 76। तो मैं अभी अरुण भैया के पास आ गया हूँ, तो इनके पास जो है टमाटर आता है पहाड़ी असर बगर जट्टी वाली साइड से, तो जानते हैं टमाटर ने अपने साथ और हिमाचल वाला भी आया था, तो टमाटर ने अपने साथ और कौन कौन सी चीजें जो लटा दी है। तो सर थोड़ा टमाटर के बारे में पहले बताइए, पहाड़ी पेटी जो थी, पहाड़ी पेटी हाईएस्ट 1000 रुपया, 1000 रुपया, उसके नीचे फिर चलते जाओ, पहले 2000 करते थे वो छोड़ दो, आज 2000 क्या हाईएस्ट रेट है, उसके नीचे फिर चलते जाओ 800-900-600-500 जिधर 500 रुपए लास्ट 500 आ गया काम, 500 आ गया काम। तो अगर ऐसे ही गाड़ियां आती रही पीछे से बैंगलोर, अब तो आनी, देखो पीछे माल तैयार है, वो आना ही आना है, अब रुकेगा थोड़ी कोई। तो जो सपने बुने थे लोगों ने वो सपने आज सब चुका चुके जो पहाड़ी हमारे देखो किसान है वो 2000 साल से घाटे में है। देखो देखो तो, जो किसान था उनको भी चांस लगा इस बारी, ऐसी बात नहीं है जी जी, उनको भी चांस लगा। अब चलो उनकी भी ये देखो, जो हमारे असर बगर का माल था जी जी, वो और सुदमा देव का जो माल है उसमें बहुत फर्क होता है, फिर भी उनकी 2000 रुपया 2500 तक पेटी बिकती की है हमारे वाले से जी जी जी। अब चलो 2 महीने से रेट तेज रहा, अब तो डाउन तो होना ही था। टमाटर नासिक भी आ गया, बेंगलोर भी आ गया, सारे आ गए। पास गाड़ी लगेगी अपने पास? अभी मेरे पास राशा इसका, पहाड़ का और कुल्लू का, जब ये खत्म होगा उसके बाद जी जी। तब जो हिमसोना आपके पास आता है हिमाचल वाला, आज उसका क्या बना? उसका वो भी आज डमाडोल हो गया काम उसका। अच्छा, वो सुबह सुबह किया था 2000 शुरू, लास्ट एंड किया 1600 पे, कल 2800-3000 बोल रहे थे यार, कल बोल रहे थे, कल बिगा, कल 2500 एंड किया था हमने, कल किया 2500 एंड, आज एंड किया 1600 का हमने, 1600 सीधा 1000 पे का, सीधा 1000 पे जी, पेटी में वही रहा
सीधा सीधा 800-900 कम होगी बीटी आज। तो मान लो पहाड़ी बेटी भी जो है सबसे हाईएस्ट जो 1000 बिकी थी, इससे ऊपर मतलब ही नहीं। उसके पास 800 700 हमारे अस्तर बगरवाली मैं बता रहा हूँ, बाकी मुझे उसका सुदमा देव का नहीं पता। पेटी में माल देखो 22-23 किलो पेटी होती है, निकलता उसमें 20 किलो कच्चा भी निकलेगा, ये वो 20 किलो मान के चलो माल होगा। तो अभी बात करते हैं टमाटर ने अपने साथ गोभी को भी डाउन किया, आज मंडी पूरी लेट गई है सर। जी जी पूरी मंडी लेट गई है। फ्रांच बीन की बात करते ये, हैं ये फ्रांच बीन ना, ये फ्रांच बीन ना, ये बीन्स है, ये कोई मिक्स बीन है कोई। ये क्या है? ये राजमा ही है ये भी, पर ये थोड़े इसका कलर बहुत कम है। मिक्स माल है, मिक्स माल है। तो इसके क्या बाजार है? जो बढ़िया थी एक नंबर वाली फ्रांच बीन थी उसके क्या? वो बिकी 110 रुपए। 110 रुपए। हाँ जी। तो ये वाली, ये वाली अब देखेंगे 40 बिकती, 50 बिकती, 30 बिकती, क्या बिकती है। तो अभी आपके पास यहाँ पहाड़ी सौगात है जिसे हम कहते हैं पहाड़ी आलू। हाँ। ये कहाँ से आया? ये अपने असर वाली बगर वाली साइड से, बगर वाली साइड से। इसे लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो इसके क्या रेट है? मिलता नहीं है, ढूंढते हैं पहाड़ी आलू चाहिए, पहाड़ी मिलता नहीं है। असली पहाड़ी आलू यही होता है, एक तो श्रीनगर से आता है, लेकिन जो पहाड़ी आलू है मजा इसका है वो यही है, ये वाला। हाँ, तो ये क्या रेट बेच रहे हो आप? ये बेच रहे 18-20 रुपए। अरुण भैया देखो, ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी सौगात है, इसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो कोई हमारा सब्सक्राइबर अगर आपके पास आएगा, कुछ डिस्काउंट दे सकते हो आप इस आलू में? बिल्कुल देंगे डिस्काउंट उसको। क्या रेट आप 18 पहले हम उसको बोलेंगे, पहले हमें दिखा तूने सब्सक्राइब किया है चैनल या नहीं किया, फिर देंगे, ऐसे नहीं देंगे। हाँ, तो जो भी भाई चैनल को सब्सक्राइब करेगा और पहाड़ी आलू डिस्काउंट मिलेगा तीन है, तो वो कमेंट में जरूर अरुण भैया की शॉप नंबर 102 लेके आएगा अरुण भैया के पास, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। हर डिस्काउंट दोगे? डिस्काउंट उसको दे देंगे 2 रुपए किलो कम कर देंगे उसको, जो बेचेगा 15 रुपए किलो, 15 रुपए देंगे उसको। और मैं अभी कपिल भाई साहब की दुकान पे आ चुका हूँ, तो इनके पास जो है श्रीनगर से शिमला मिर्च की गाड़ी है, पत्ता गोभी की गाड़ी है, और इनके पास पहाड़ी आलू भी आता है। तो ये सीजन के हिसाब से काम करते हैं, सर्दियों में ज्यादा ये दिल्ली का माल बेचते हैं, और इस वक्त इनके पास जो है श्रीनगर की बहुत गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती है, तो कुछ गाड़ियों ने खाली करके बाहर भी निकाल दी है और कुछ अभी मौजूद है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शिमला मिर्च से। तो सर कितनी गाड़ियां थी मंडी में, कितनी गाड़ियां थी शिमला मिर्च की? तारीफ आपने बहुत ज्यादा कर दी हमारी यहाँ सर, तारीफ के काबिल हो आप, इसलिए तारीफ कर रहे हैं सर। शिमला मिर्च सर 6 गाड़ी थी आज, 6 लोगों के पास थी। जी जी। शिमला मिर्च का बाजार कल से डाउन है थोड़ा। जी जी। आज शिमला मिर्च की जो पोजीशन है 30 रुपए किलो की रही है। 30 रुपए किलो जी। कल से 10 रुपए टूट गए शिमला मिर्च के किलो में, 7-8 रुपए का फर्क पड़ गया है। इसमें एक और पैकिंग आती है डब्बे वाली। जी जी जी। उसमें कोई फर्क है? मान लो ये 30 भी की है वो, उसका थोड़ा वजन कम होता है। जी जी। वो 13 किलो के करीब होती है, 12-13 किलो। जी जी। थोड़ा ग्राहक खुश होकर ले लेता है, 18 किलो है तो रेट लेकिन बराबर ही है, वो 2-3 रुपए ऊपर बिक गया, 2-3 रुपए वही डब्बे के पैसे निकले हैं बाहर जाने के व्यापारी को। तो बात करते हैं पत्ता गोभी के, पत्ता गोभी ने जो है 1-2 दिन बाजार जो है टाइट किया था अच्छी तरह अपना, उसने एक वो हमारे कुछ यहाँ पे आरती भाई हैं जो हिमाचल से माल मंगा लेते हैं। जी 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 जी। तो उसकी वजह से बाजार ही मंदा हो गया, बाजार डाउन हो गया। तो आज क्या पोजीशन रही जो श्रीनगर के जो माल थे वो, कितनी गाड़ियां थी मंडी में आज? श्रीनगर की भी कोई 5-6 लोगों के पास माल था आज। जी जी। लेकिन माल इतना ज्यादा नहीं था, हिमाचल वाला माल ज्यादा था, हिमाचल वाला ज्यादा था। ये वाला माल बिक गया जी 15 से लेके 20 तक, 15 से 20 रुपए तक, सीधे 10 रुपए इसके टूट गए आज। ये हिमाचल का माल आने की वजह से इसके 10 रुपए टूटे हैं। हिमाचल का माल थोड़ा क्वालिटी में अच्छा होता है। जी जी। तो क्या लगता है इसके बाजार फिर से थोड़े टाइट हो जाएंगे, हो सकते हैं? क्योंकि हिमाचल में भी पीछे पोजीशन टाइट है पत्ता गोभी की, वहाँ मंदा नहीं है। हाँ, वहाँ भी वहाँ बाजार 20 से 25 रुपए, फिर ऊपर से भाड़ा भी लगता है, तो इसके फिर से बाजार सकते हैं 15 अगस्त के बाद थोड़ा सा बाजार, वैसे भी 15 अगस्त की वजह से भी थोड़ा बहुत मार्केट डाउन है। जी जी। तो अभी बात करते हैं पहाड़ी आलू की, क्योंकि 2-4 दिन से बिक नहीं रहा, दो चार पहले तो बड़ी स्पीड में बिक रहा था, लेकिन अब थोड़ी ग्राहकी कम है। तो आज क्या बाजार रहे इसके पहाड़ी आलू की? क्वालिटी पे है, 16-16.5 का बाजार है, 16.5-16। तो जो पहले 19-20 था माहौल वो नहीं रहा, कुछ गरीब लोगों को भी खाने दीजिए। जी जी। नहीं, आज देखो ना टमाटर ने भी आज बल्ले बल्ले कर दिया, आज तो टमाटर मंदा हो गया। टमाटर कल से जी 800 रुपए कम हो गया क्रेड का, क्रेड का 800 सीधा 2000 बैंगलोर, जो पहले 5000 फिर 4000 फिर 3500 फिर 3000 में भी बिक रहा कम है उसका। हाँ, आज 2000 है और 2000 में भी बिक नहीं रहा है, 2000 में बिक रहा है। पेटी जो सुपर माल थी जो 1800-1900 बिक रही थी, आज मैंने बढ़िया माल 1000 का, हल्के माल और कम बिक रहे हैं, और कम 700-800 रुपए। बाकी अब आम लोगों के बजट में सब्जी आ गई, सब्जी आ गई, जैसे ये तोरी बड़ी 8 रुपए किलो है, तोरी का बाजार 8 रुपए आज, 8 रुपए किलो क्रेड के साथ दे रहे हैं, क्रेड के साथ 8 रुपए किलो तोरी का किलो बिक रहा कम है, कमजोर है। जी जी। ये पहाड़ी खीरा है वो 5 रुपए किलो बिक रहा है, पहाड़ी खीरा 5 रुपए किलो। जी जी जी। और पहाड़ी बीन आपके पास पहाड़ी माल बहुत आता है, सुदमा देव मानतला पहाड़ी बीन बिक गया है 50 की रेंज में 55 की रेंज में, जैसे ऐसा माल हो 50-55 की रेंज में। जी जी जी। तो आपके पास कड़म भी आता है श्रीनगर से? आता है लेकिन आज नहीं, आज गाड़ी नहीं थी। तो कड़म के बाजार भी थोड़े अच्छे हुए हैं आज। जी जी जी। थोड़ा माल कम है ना उसकी वजह से। जी जी। तो सर अपनी फर्म का नाम? कपिल वेजिटेबल कंपनी, शॉप नंबर 118। तो मैं अभी विनोद भाई जी की दुकान पे हूँ, तो यहाँ पे इनके पास जो है कड़म की गाड़ियाँ आती हैं रूटीन में श्रीनगर से, तो जानते हैं कितनी गाड़ियाँ आई थी और इनके पास और क्या क्या माल आए थे और क्या क्या बाजार रहे हैं। तो सर कड़म की कितनी गाड़ियाँ थी मंडी में आज? कड़म की आज गाड़ी 6 और 7 के बीच थी। जी जी। पर आज
कड़म का बुरा हाल हो गया, कड़म सारा खराब हो गया, डेड हो गया कड़म। इसमें कुछ बढ़िया बढ़िया कड़म भी निकला था या सारा ही डैमेज? नहीं, कड़म चार क्वांटल डेड है, बाकी तो कड़म जो ठीक निकला वो तो बिक गया, वो सेल हो गया। जो बढ़िया एक नंबर कड़म के क्या बाजार थे आज? 20 रुपए किलो कड़म बिका आज बढ़िया, जो अगर सुपर कड़म पहुंचे तो वो 22-25 बजे था, साफ पहुंच नहीं रहा है। जो एक नंबर सुप्रीम क्वालिटी है लेकिन वो है नहीं मंडी में, मंडी में किसी के पास नहीं पहुंच रहा, अगर पहुंचे तो 25 रुपए कड़म आराम से बिकेगा। आपके पास जो यहाँ पे बैंगन लगा हुआ पिंक बैंगन, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है जम्मू में, तो इसके क्या बाजार है? ये बैंगन बेचा हमने 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो, ये वही बैंगन है जो 60-70 रुपए किलो बिकता था, 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो पहले बिकता था, बिकता था। आज ये कड़ा बैंगन बिक रहा 30 रुपए किलो। जो वाला दूसरे वाला जो लगा लोकल हमारा, वो जो आपके पास वो वाला बैंगन है, ये कहाँ का है? सबसे पहले तो ये बताइए हमें, ये कौन से इलाके से आता है? ये बहुत ही बढ़िया बैंगन, लोकल बैंगन है इधर हमारा, कानाचक साइड का, कानाचक से जम्मू का ही, जम्मू का लोकल है जी जी। क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है, नंबर सुपर क्वालिटी है इसकी, पर रेट बहुत डाउन हो गया। पहले कर ये बिकता था 35-30 रुपए किलो जी जी, आज इसका भाव 10 रुपए किलो। मैं अभी संजीव शर्मा जी के पास हूँ, जो सुबह सुबह पहले 2-4 दिन की बात करें तो सुबह 6 बजे ये घर चले जाते थे टमाटर भेज के, तो आज जो है टाइम हो चुके हैं 9 बज रहे हैं, लेकिन ये इधर ही पेटियां सजा के बैठे हुए हैं। तो सर क्या बात है, आज नहीं गए आप जल्दी? आज क्या करना है, आज मंदा बहुत पड़ गया है। अच्छा, पहले तो आप 6 बजे दौड़ जाते थे घर, आज पोजीशन डिली हो गई है। किस चीज की पोजीशन? 2000 रुपया हो गया। अच्छा, बेंगलोर 2000 हो गया। तो जो आपका ये सुपर सुप्रीम क्वालिटी है, ये सुपर जो है, एक बंदा है तो लेने वाला। अच्छा, हम बोल रहे हैं उसको 80 रुपए किलो, वो बंदा बोलता है 70 रुपए किलो। नहीं, पहले मैं इतनी बार आपके पास आया, मैंने तो ऐसा टमाटर आपके पास देखा नहीं। सुबह ले जाता था बंदा। अच्छा, 3 बजे ले जाता था, दो पेटी 2-3 दिन के बाद ही बोले जाता था। आज कहाँ गया बंदा? ये पोजीशन हो गई है, इसकी पोजीशन हो गई है 20 रुपए। ये कितने की पेटी है ये वाली? 20 रुपए पोजीशन। नहीं नहीं, पेटी कितने की है? पेटी बन जाएगी 300 की। 300 की आ गए उधर ही अपने ठिकाने। अच्छा, ये आ गए इधर, ये कोई 800 की 900 की। अच्छा, 800-900 की। 40 पहले 2-2 या 18-18 16 16। वो भूल जाओ आज। अच्छा, आज हो गया काम इसका। भूल आज नहीं जाओ, आगे भूल ही भूल जाओ। आगे भूलो, आगे भूलो, भूल ही भूल जाओ, आगे भूलो। एक ये है, ये बढ़िया 1100। नहीं, इतने दिन ये दिखे नहीं बढ़िया, ये कहाँ जाते थे? ये आज आते थे लेकिन सुबह सुबह बिक जाते थे। अच्छा, थी ना जब आप भाग जाते थे सुबह 6 बजे बेच के। बस 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 बस, आज इसका पोजीशन तो डिली है, पसीना भी आ गया है। अच्छा, आज पसीना भी आ रहा है, पहले पसीना नहीं आता था। ना पसीने की धूप देखी नहीं हमने कभी। अच्छा अच्छा, लेकिन आज हमें बहुत ही धूप लग रही है। नहीं, वो जो सुप्रीम क्वालिटी है उसका क्या रेट था? पहले बिकती थी 3200 की, आज कितने की? आज वो बनेगी 2000 की, 2000 में बनेगी, 1600-1700 की बिक जाएगी वो। 1600-1700 की बिकेगी? हाँ, वो बिकेगी। लेकिन भैया वो 2800 किलो वाला क्रेट बिक रहा है 2000 का, तो ये बिकेगा? नहीं, ये इसका कोई और क्वालिटी है, इसको देखो ना आप। हाँ, क्या है इसको क्वालिटी? ये नीचे से ऊपर एक जैसा होगा। अच्छा, ये देखो माल तो बढ़िया है, माल तो एक नंबर है। ये देखो माल इसका, ये किसान ने माल तो बहुत बढ़िया भरा है। कौन से इलाके का? ये है उधर असर का। ये असर का है? पहले इतनी बढ़िया क्वालिटी असर में टमाटर नहीं होता। नहीं, था। नहीं होता नहीं, ये बंदे ने बहुत मेहनत की है। इसकी आती 2 पेटियां आती है 3-4 दिन के बाद। 3-4 दिन के बाद तो आप बात करेंगे इसकी, इसके क्या बाजार है? ये 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो की बाजार। मान लो 700-800 की पेटी, 800-900 की लगा लो। अभी माल पड़ा है आपके पास, ये 500 रुपए तो नहीं बात आ जाएगी? 500 भी आएगी, आप नीचे भी जा सकती है। अच्छा, वो जो पुराने थे 300-400 वाली गेम जो थी, वो 300-400 नहीं जाएगी, 500 तक जाएगी आज। 300-400 भी 1-2 दिन के बाद लगा लो आप। अच्छा, वो हो जाएगा। मानो जो वो सपने बुने हुए थे वो सपने टूट गए। सपने कितनी देर चलेंगे, अब लोगों ने भी कुछ खाना है। अच्छा, अब दिन आ गए, अब लोगों के दिन आ गए खाने वालों। वो है पाव वाले, टमाटर वाले जमाने की, अब किलो वाले चलेंगे। किलो वाले सेल तो होगी, 2-2 किलो के चलेंगे अब, 5-5 किलो सेल तो होगी ना, पहले सेल ही बंद हो गई थी। तो सर बात करते हैं धनिये की, धनिया भी बहुत बेचा लोगों ने, 250 रुपए किलो ही बेचा, 300 रुपए किलो ही बेचा। पानी वाले की 100 रुपए। अब बेंगलोर आ रहा है, वो आ रहा है अपने इंदौर वाला, उसकी वजह से ये मंदा हो गया थोड़ा। हाँ, आज इसके क्या बाजार है आज? 180 बिक रहा है, पर जो सुबह सुबह बिक जाता था 3 बजे वो वाला काम नहीं। वही 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 है ये सिस्टम। तो मूली की बात करें, मूली बढ़िया वाली, मूली 30 रुपए की है, ये मूली 15 रुपए की, ये 15 रुपए किलो। तो बढ़िया वाली जो है 30 रुपए। तो अभी बात करते हैं ये पहाड़ी करेला, 40-50 रुपए। तो जो शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च की पोजीशन हो गई 30-35-40। शिमला भी डाउन है आज? डाउन सिग्नल से बहुत आई है, उसकी वजह से मंदा है, उसकी वजह से मंदा हो गया। तो ये अपने पास करेला है, करेले के बारे में, ये लोकल है 15 रुपए की, ये जम्मू वाला है, पठानकोट वाला। हाँ। इसके क्या बाजार है? 15 रुपए की, 15 रुपए। तो जो ये शिमला लगी है 30 रुपए किलो। टमाटर ने अपने साथ साथ सब कुछ लेट दिए, सब लटा दिया, गरीब भी खाएंगे जी। चलो अब सारी जनता खाएगी। तो सर अपनी फर्म का नाम? सीजी कुमार एंड को, शॉप नंबर 13। तो मैं अभी 36 नंबर पे हूँ, तो जानते हैं यहाँ जो इनके पास जो है बेंगलोर की 2 गाड़ियाँ थी, एक जो है पूरी गाड़ी थी और एक आधी गाड़ी थी, तो जानते हैं क्या क्या बाजार रहे हैं। तो सर क्या पोजीशन रही टमाटर की आज?
टमाटर 2000 रुपया ग्रेड बिका है। 2000 रुपया आपने तो 15 अगस्त तक कहा था कि टमाटर की पोजीशन टाइट ही रहेगी, लेकिन आज आपने 3500 से सीधा 2000 रुपया कर दिया। और 100-200 रुपया और घट जाएगा, 100-200 और घटेगा। आज जो पीछे के क्या बाजार हैं, आज पीछे के बाजार 1200-1300 रुपये में, 1200-1300 रुपया। तो कल जो माल खुलेगा यहाँ वो किस रेट में खुलेगा? कल वाले माल ये तो बड़े देर 3000 रुपये में टमाटर खोलते हैं इधर आगे, ये वाले 3000 रुपये में पहुँचते हैं टमाटर ये सब। जी जी, जो दिल्ली से आए हैं वो 2200 रुपये में पहुँचते हैं। जी जी, जो सीधी गाड़ी है वो 3000 में पहुँचती है। तो जो दिल्ली से आ गई शिफ्ट हो गए, जो दिल्ली से आई, दिल्ली में कल बिका था 1800 से लेके 2000 रुपये, 1800 से 2000 वो बिका इधर होगी, 2000 रुपये बिका इधर आगे। तो आज क्या बाजार है दिल्ली में? आज दिल्ली में अभी कस्टमर भी हुआ, रिपोर्ट आएगी 9 बजे तक आएगी। देखो अच्छा 9 बजे तक, क्या लगता है ढीला ही होगा बाजार? ढीला ही ढीला, 1800 से कम ही होगा। जी जी, तो अब क्या लगता है जो हमारे लोकल किसानों के सपने थे जो उन्होंने देखे थे वो उनके सपने भी चलते रहेंगे, इनके भी चलेंगे? कहाँ चलेंगे, आज तो पेटी अगर ये 2000 का बिकेगा तो पेटी का तो आपको पता ही है ज्यादा, सबसे पहले 1000 रुपए पेटी। तो क्या लगता है अगर पीछे कल थोड़े और बाजार डाउन हो जाएंगे तो? अभी और ही डाउन होने हैं, बनने वाला कोई बाजार नहीं है, बनने वाला कोई नहीं है, और मार्केट डाउन हो जाएगी, और डाउन होगी अभी। तो कल ऐसा ना कहीं हो कि पेटी 500 पे आ जाए? नहीं ऐसा अभी नहीं आएगा, 700-800 तक, 1000 तक बिकेगी अभी। मतलब जो बढ़िया बढ़िया माल है वो 700-800, बाकी 400-500 रुपए वही रेंज आ गई पुरानी वाली रेंज। ग्रेड यही बिकेगा 1800 से 2000 रुपया। अब कोई वो हाई जंप वाले काम वो अब जंप कोई नहीं है अब। आज बैंगलोर की एक्चुअल पोजीशन क्या है हमारी मंडी में? बंगलोर की बढ़िया माल की 2000 रुपया। कल एक आध गाड़ी नासिक की भी आई थी मंडी में, वो भी माल मैंने देखा था जो लंबी चाल वाला आ रहा है, वो भी माल बढ़िया था। उसका पता नहीं बेचते हैं अभी का। जी जी, उसकी भी रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। कल भी बंगलोर था, वो कल हमने बेचा था 2600 से लेके 2800-2900 रुपये तक, 2800-2900 तक। तो आज सीधा 2000 का ही बटा डाल दिया, 2000 रुपया हो गया। तो सर अपनी फर्म का नाम? हमारी फर्म का नाम है शिव शक्ति ब्रूड कंपनी, शॉप नंबर 36,